हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे साझेदारी के समापन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के बारे में, जो कि है गार्डर बनाम मर्रे। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आखिर में ये केस क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से निर्णय लिए गए और उन निर्णयों का भारत में किस प्रकार प्रयोग होता है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने एक सामान्य स्थिति में हमारे साझेदारी फर्म का विघटन किस प्रकार होता है उसके बारे में हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे, समझे थे और उससे समय जो भी हमारे निमेकर्स थे उसको हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग देखेंगे कि जब कोई साझेदार दिवालिया होता है तो उस कंडीशन में हमारे फर्म का यानी कि साझेदारी व्यवसाय का समापन किस प्रकार होता है और कौन कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि साझेदार का दिवालिया होने का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, सिंपल सा है कि जब कोई साझेदार फर्म के प्रति अपने संपूर्ण दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो इसे उस साझेदार का दिवालिया होना कहा या माना जाता है। सिंपल सा, आप लोगों ने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा कि दिवालिया होने का मतलब क्या होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने दायित्व का भुगतान करने में समर्थ न हो, यानी कि उसके पास इतना पैसा न हो कि वो अपने कर्ज का भुगतान कर सके, तो उस कंडीशन में हम लोग उसे दिवालिया मानते हैं। सेम वही कंडीशन जब किसी फर्म में कोई साझेदार अपने कर्ज का या फिर अपने दायित्व का भुगतान जो है वो नहीं कर पा रहा, यानी कि उसके पास इतनी पूर्ण संपत्ति नहीं है कि वो अपने दायित्व का भुगतान कर सके, तो उस कंडीशन में हम लोग ये मानते हैं कि वो साझेदार हमारा दिवालिया हो गया। तो अब जब कोई साझेदार दिवालिया होता है उस कंडीशन में दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, क्या क्या। तो सबसे पहले है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार विभिन्न अनुबंध के अभाव में एक साझेदार के दिवालिया होने पर फर्म का क्या होता है, समापन हो जाता है। यानी कि अगर कोई दूसरे टाइप का कोई अनुबंध या समझौता नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर कोई साझेदार दिवालिया हुआ है तो हमें फर्म का समापन करना पड़ेगा, यानी कि फर्म को बंद करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति कि दिवालिया साझेदार की जो पूंजी की कमी है उसको शोध क्षम्य साझेदार वहन करेंगे। शोध क्षम्य साझेदार कौन, यानी कि जिनके पूंजी का शेष क्रेडिट हो, यानी कि जिनका पूंजी जो है वो क्रेडिट शेष दिखा रहा है, जिनके पास संपत्ति है अपने दायित्व को भुगतान करने की, वो साझेदार क्या करेंगे, वो दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को पूरा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि साझेदारों की जो दायित्व होती है वो असीमित होती है, इस वजह से उन्हें इस कमी को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस पूंजी की कमी को जो साझेदार है शोध क्षम्य वो पूरा तो करेंगे, लेकिन किस रेशियो में पूरा करेंगे, ये भी तो निर्धारित होना चाहिए ना कि उनका अनुपात क्या होगा उस कमी को पूरा करने का। तो यहाँ पर इस संबंध में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो है या फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस जो है उसकी चर्चा होती है। तो आइए उस केस को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो नवंबर 1903, ठीक है, नवंबर 1903 से पहले जो दिवालिया साझेदार होता था उसकी जो पूंजी की कमी होती थी उसको शेष साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में पूरा करते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि नवंबर 1903 से पहले जो दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी होती थी उससे बाकी जो बचे हुए साझेदार थे वो अपने किस अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में पूरा करते थे। लेकिन नवंबर 1903 में गार्डनर बनाम मर्रे के विवाद में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। ठीक है, यानी कि नवंबर 1903 में एक केस आया गार्डनर बनाम मर्रे के नाम से, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया जिसके आधार पे अब जो है वो हमारे साझेदार जो है वो एक दूसरे अनुपात में पूंजी कमी को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस केस को देखते हैं कि वो केस क्या था, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि उस केस से संबंधित क्या निर्णय लिया गया। तो आइए उस केस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि गार्डनर बनाम मर्रे विवाद में क्या था कि एक फर्म में 3 साझेदार थे। ठीक है, क्या नाम थे उनके, गार्डनर, मर्रे तथा विल्किंस, ये 3 साझेदार थे। इनका अनुपात जो था लाभ हानि का वो क्या था, समान था, यानी कि ये समान अनुपात में बराबर बराबर अपने लाभ हानि बांटते थे। फिर है कि न्यायालय के आदेश पे फर्म का विघटन हुआ था, न्यायालय ने आदेश दिया था कि आप फर्म का समापन कर दीजिए, तो उस टाइम में फर्म का विघटन हुआ। जब फर्म की विघटन हुई तो उस टाइम फर्म की स्थिति क्या थी, तो फर्म के पास जो दायित्व थे, दायित्व में गार्डनर का कैपिटल है और मर्रे का कैपिटल है। ठीक है, कैश 1916 रुपये है। विल्किंस का कैपिटल देखिए ये एसेट साइड में है। ठीक है, एसेट साइड में विल्किंस का कैपिटल है, इसका मतलब क्या है, विल्किंस के पास, विल्किंस जो है वो क्या हुआ है, दिवालिया घोषित हो गया, उसके पास पूंजी नहीं है, क्योंकि अगर पूंजी होती उसके पास उसका तो फिर क्या होता, विल्किंस का कैपिटल भी लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता। फिर उसके साथ ही साथ रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हुआ है, लॉस हुआ, यानी कि वसूली जब हुई है तो उस टाइम क्या हुआ है, लॉस मिला है। कितने का लॉस, 635 पौंड का, क्योंकि ये ब्रिटिश से संबंधित हमारा जो है केस है तो इसलिए वहाँ पर पौंड का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये स्थिति थी। और
तो जैसा कि विल्किंस क्या हो गया, उस स्थिति के हिसाब से दिवालिया घोषित हो गया और वो अब कुछ भी देने योग्य नहीं रहा। तो उस कंडीशन में उस टाइम ब्रिटिश साझेदारी अधिनियम 1890, जैसे हम लोग का पार्टनरशिप एक्ट है यानी कि साझेदारी अधिनियम 1932 है, वैसे ही उस टाइम ब्रिटिश साझेदारी अधिनियम 1890 था, जिसकी धारा 44 के अनुसार क्या हुआ, एक निर्णय लिया गया, कहा गया कि विल्किंस की जो 263 पाउंड की पूंजी की कमी है, ठीक है, उस पूंजी की कमी को वसूली पर हानि की तरह माना जा सकता है। यानी कि जो विल्किंस की 263 पाउंड की कमी है उसको कैसे माना जाता है कि हमें वसूली में हानि हुई है। कितने की हुई है? 263 पाउंड की हानि हुई है। तो इस प्रकार फर्म की कुल हानि कितनी हो जाएगी? 263 पाउंड विल्किंस की पूंजी की हानि प्लस 635 पाउंड की हानि हमें ऑलरेडी वसूली खाते में हो चुकी है, यानी कि टोटल कितने की हानि हो गई वसूली खाते पर? 898 पाउंड की हानि होगी, जिसे क्या किया जाएगा, 196 साझेदारों में उनके बराबर के लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। यानी कि अब जाहिर सी बात है कि वसूली खाते की हानि को तीनों पार्टनर्स जो हैं वो अपने लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। अब उनका लाभ हानि अनुपात क्या है? बराबर बराबर है, ठीक है। अब क्योंकि जो हमारा साझेदार है विल्किंस वो दिवालिया हो गया है, तो वो क्या करेगा, वो इस हानि को नहीं बांटेगा। कौन बांटेगा? जो शोधक्षम साझेदार, यानी कि जो देने योग्य, यानी कि हमारा गार्नर और मर्रे, ये दोनों क्या करेंगे, इस 898 पाउंड की हानि को क्या करेंगे, अपने लाभ हानि अनुपात में, यानी कि बराबर बराबर अनुपात में बांटेंगे। लेकिन अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन में मर्रे को अगर हम लोग 898 को दो भाग में बांटे यानी बराबर बराबर, तो 449 पाउंड की हानि एक साझेदार यानी कि गार्डनर को 449 पाउंड की हानि और मर्रे को भी 449 पाउंड की हानि क्या करनी होगी, वहन करनी होगी। लेकिन आपने मर्रे की पूंजी देखी होगी तो मर्रे की पूंजी सिर्फ और सिर्फ 314 पाउंड है, गार्डनर की पूंजी तो इनफ है 2500 पाउंड, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी ये 449 पाउंड लाने में। लेकिन मर्रे की पूंजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 314 पाउंड है, यानी कि मर्रे को भी ऑलरेडी मतलब एक्स्ट्रा और पैसा कितना 135 पाउंड और लाना पड़ेगा, और वो लाकर वो किसको देगा, गार्नर को ही देगा, फर्म को देगा। फर्म में इकलौता कौन बचा? गार्नर। तो जाहिर सी बात है वो 135 पाउंड मर्रे लाकर के किसको देगा? गार्नर को देगा। और उसके साथ ही फर्म की जो 1916 पाउंड की रोकड़ है, ठीक है, वो भी गार्नर को ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? तो देखिए, जो हमारा गार्नर है उसकी टोटल पूंजी कितनी है, वो 2500 पौंड की है, ठीक है, जिसमें से कि 449 की जो उसकी वसूली खाते की हानि है, उसके हिस्से की हानि है, तो इसे हम लोग माइनस करें तो 2051 बचता है, ठीक है। तो गार्नर को 2051 पौंड की राशि मिलनी चाहिए ना, जब फर्म का विघटन हो रहा है तब, ठीक है। तो 2051 पौंड की राशि उसे कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले 135 पौंड जो है वो मर्रे ला करके देगा, जो उसकी पूंजी की कमी है, ठीक है, प्लस जो 1916 पाउंड रोकड़ है वो फर्म जो है वो गार्नर को देगी, तब जाके इसकी गार्नर की 2051 पाउंड की पूंजी जो है वो पूरी होगी, ठीक है। इस वजह से ये दोनों ही राशि क्या होगी, किसको मिलेगी? गार्नर को मिलेगी। तो इससे क्या हो रहा है, मर्रे को भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि न्यायाधीशों ने इसके विरोध में क्या किया, विचार प्रकट किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब न्यायाधीशों को ये विचार जो है वो नहीं पसंद आया, यानी कि इस एक्ट के अनुसार काम करना उन्हें नहीं सही लगा, उन्हें यह गलत ये तरीका लगा, तो उन्होंने कुछ निर्णय लिए। वो निर्णय क्या है वो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला निर्णय तो ये लिया गया कि जो दिवालिया साझेदार है उसकी पूंजी की कमी को, जो शोधक्षम साझेदार है वो अपनी पूंजी के अनुपात में वहन करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप कि पहले जो अभी हमने अभी केस देखा उसमें क्या हो रहा था कि वो अपने लाभ हानि अनुपात में वहन कर रहे थे, लेकिन जब इस केस का निर्णय आया तो निर्णय में कहा गया कि पूंजी की कमी जो है उसको जो शोधक्षम साझेदार है वो पूंजी के अनुपात में, यानी कि उनकी जो अपनी पूंजी रहेगी उस अनुपात में वहन करेंगे। अब इस कंडीशन में भी दो चीज़ें हैं कि देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि जो पूंजी होती है वो दो तरीके की हो सकती है, एक स्थायी पूंजी और दूसरी अस्थायी पूंजी। तो हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि स्थायी पूंजी अगर है, अगर फर्म जो है उसमें साझेदार अपनी पूंजी को स्थायी मान करके चल रहे, तो कौन सी पूंजी को अनुपात में माना जाएगा, या फिर अगर अस्थायी पूंजी अपनी रख रहे हैं तो उस कंडीशन में कौन किस प्रकार की पूंजी उनके अनुपात को निर्धारित करेगी। तो उस कंडीशन में निर्णय है कि अगर पूंजी स्थायी है, ठीक है, अगर साझेदारों की पूंजी को स्थायी माना जा रहा है, तो जो पूंजी चिट्ठे में दी होगी विघटन से पहले, जो चिट्ठा बना होगा उस चिट्ठे में जो पूंजी दी होगी साझेदारों की, उसी के अनुपात में वे क्या करेंगे, दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को पूरा करेंगे, ठीक है। जो विघटन करने से पहले हमारा एक आर्थिक चिट्ठा बना होगा, उस आर्थिक चिट्ठे में जो हमारे शोधक्षम साझेदार होंगे उनकी जो पूंजी की राशि होगी, उस पूंजी की राशि का हम लोग अनुपात निकालेंगे, और उस अनुपात के आधार पर वे क्या करेंगे, दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को पूरा करेंगे। कब? अगर पूंजी स्थायी है तब। लेकिन अगर पूंजी अस्थायी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि विघटन के पूर्व जो बनाया गया चिट्ठा है उसमें दी हुई पूंजी में उन संचिति
कोषों व अविभाजित लाभों को समायोजित किया जाएगा जो कि उस चिट्ठी में दिए हों, परंतु इसमें वसूली खाते के लाभ हानि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आप ध्यान से समझिए कि अस्थायी अगर पूंजी है तो उस कंडीशन में, जैसा कि हम लोग क्या करते हैं कि किसायेदार की जो पूंजी रहती है उसमें अगर कोई संचय दिया हुआ है तो उस संचय को ऐड करते, कोई कोष है तो उस कोष को ऐड करते हैं, या फिर कोई अविभाजित लाभ है तो उसे भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर जो हमारे वसूली खाते की लाभ हानि है तो उसे भी हम लोग जो भी ऐड या माइनस करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर यही बोला है कि अगर पूंजी अस्थायी है तो उस कंडीशन में किसायेदारों की पूंजी में संचिति को जोड़ा जाएगा, कोषों को जोड़ा जाएगा और अविभाजित लाभों को भी जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद जो पूंजी आएगी उस अनुपात में क्या करेंगे कि वे दिवालिया किसायेदार की पूंजी कमी को पूरा करेंगे। हालांकि यहाँ पर जो वसूली खाते की लाभ या हानि होगी उसे इग्नोर किया जाएगा, ठीक है, उसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा वसूली खाते के लाभ या हानि को। तो सिंपल साइज का मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार समायोजन के बाद, यानी कि जब हमने पूरा समायोजन कर लिया है उसके बाद जो पूंजी के अनुपात में, उसके बाद की जो पूंजी आएगी किसायेदारों की उसी अनुपात में दिवालिया किसायेदार की पूंजी की कमी को शोध क्षम्य किसायेदार पूरा करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही ये निर्णय भी लिया गया कि वसूली की जो हानि है उसको शोध क्षम्य तथा दिवालिया सभी किसायेदार अपने लाभ हानि अनुपात में विभाजित करेंगे। यानी कि वसूली खाते में अगर हानि हुई है तो ऐसा नहीं कि उस हानि को दिवालिया किसायेदार नहीं लेगा, उस हानि को दिवालिया किसायेदार भी लेंगे और शोध क्षम्य किसायेदार भी क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, यानी कि वहन करेंगे। हालांकि जो वसूली खाते की हानि है उसको जो शोध क्षम्य किसायेदार है वो क्या करेंगे, नकद में ले आएंगे। दिवाली किसायेदार के पास तो इतनी पैसा है ही नहीं कि वो उस हानि को भी पूरा कर सके, वो अपनी पूंजी की कमी को पूरा कर सके, तो इसलिए उसे छोड़ करके जो शोध क्षम्य किसायेदार होंगे वो क्या करेंगे कि जो उनकी वसूली खाते की हानि का हिस्सा रहेगा वो उसे क्या करेंगे, नकद में ला करके फर्म को देंगे, ठीक है। तो ये सारे निर्णय जो है वो गार्नर बनाम मर्रे विवाद में लिए गए थे। अब हम लोग ये देखते हैं कि भारत में हम लोग इसका प्रयोग किस प्रकार कर देंगे, मतलब किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहला भारत में जो प्रयोग है वो तो ये है कि अगर आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ सारेदारी फर्म में सारेदारी संलेख का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो अगर फर्म में सारेदारी संलेख बना हुआ है और उस सारेदारी संलेख में ये जो है ये चीज़ें बोली गई हैं कि दिवालिया किसायेदार की पूंजी की कमी को जो शोध क्षम्य किसायेदार है वो किस अनुपात में पूरा करेंगे, अगर ये चीज़ मेंशन है हमारे किसायेदारी संलेख में तो उसी अनुपात में जो है वो शोध क्षम्य किसायेदार उस पूंजी की कमी को पूरा करेंगे। यहाँ पे गार्नर बनाम मर्रे का कोई भी नियम, कोई भी निर्णय नहीं लगेगा। अगर हमारे क्वेश्चन में या फिर हमारे किसायेदारी संलेख में पहले से दिया हुआ है कि किस अनुपात में वो लोग पूंजी की कमी को पूरा करेंगे, ठीक है। ये तो था कि अगर किसायेदारी संलेख है तब, अगर किसायेदारी संलेख नहीं है उस कंडीशन में क्या होगा कि किसायेदारी संलेख के अभाव में दिवालिया किसायेदार की जो पूंजी की कमी है उसको शोध क्षम्य किसायेदार अपनी पूंजी के अनुपात में ही विभाजित करेंगे। यानी कि यहाँ पे भी जो गार्नर बनाम मर्रे का निर्णय था वही सेम निर्णय यहाँ पर हम लोग भारत में प्रयोग करते हैं। और जो पूंजी का अनुपात है वो भी, मतलब स्थायी पूंजी में क्या होगा, अस्थायी पूंजी में क्या होगा, ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, पीछे समझा है, वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है। यानी कि इस नियम में कोई भी बदलाव नहीं है। हाँ, एक थोड़ा सा छोटा सा बदलाव यहाँ पर है भारत में, क्या कि जो वसूली खाते की हानि है उसको सभी किसायेदार अपने लाभ हानि अनुपात में लेंगे, ये भी हमारे गार्नर बनाम मर्रे में दिया है, लेकिन शोध क्षम्य किसायेदार इसे नकद नहीं लाएंगे। ये थोड़ा सा बस चेंज है, क्या कि गार्नर बनाम मर्रे निर्णय में क्या कहा गया था कि वसूली खाते की जो हानि होगी उसे सब तो वहन करेगा, लेकिन जो शोध क्षम्य किसायेदार होंगे उसे वो क्या करेंगे, कैश में लाएंगे। लेकिन भारत में बोला गया है, भारत में इस निर्णय में कहा गया है कि सारे किसायेदार वहन करेंगे वसूली खाते की हानि को अगर हानि हुई है तो, लेकिन जो शोध क्षम्य किसायेदार होंगे उन्हें उस हानि को नकद में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो सिर्फ ये छोटा सा बदलाव है हमारे भारत में जब हम लोग इस नियम का प्रयोग करते हैं तो, बाकी और कोई निर्णय में अंतर नहीं है। तो ये था हमारा पूरा गार्नर बनाम मर्रे नियम से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण पहलू थी वो हमने आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये नियम जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बेस में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जा करके आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।